अस्सलामुअलैकुम, एक और नई वीडियो के साथ मैं हूं फहीम और आप सुन रहे हैं 50 बातें काम की। एंड वेलकम टू एपिसोड नंबर 26। मामा बोले देखो बेटा वो आ गया, छोटे छोटे पीसेस करके लुटेरों को खा गया। आज मैं आपको जो स्टोरी सुनाने वाला हूँ वो है पाकिस्तान के दूसरे अमीर तरीन शख्स की। उनका नाम है मियां मोहम्मद मनशा। मियां मोहम्मद मनशा के आबाओ अजदाद इंडिया से हिजरत करके पाकिस्तान में आए हैं। मियां मोहम्मद मनशा के वालिद का नाम मियां मोहम्मद याया है, जो क्याम पाकिस्तान से पहले इंडिया में लेदर इंडस्ट्रीज एंड स्टॉक एक्सचेंज का बिजनेस करते थे। क्याम पाकिस्तान के बाद मियां मोहम्मद याहिया ने अपना सारा बिजनेस पाकिस्तान में शिफ्ट कर दिया और पाकिस्तान की फलाह व महबूद के लिए काम करने लगे। मियां मोहम्मद मनशा 1947 में चनियोट में पैदा हुए। उन्होंने अपनी इब्तदाई तलीम फैसलाबाद से हासिल की, फिर लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी में आ गए और हायर एजुकेशन के लिए लंदन चले गए। लंदन से मियां मोहम्मद मनशा ने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री हासिल की। मियां मोहम्मद मनशा उन अमीर तरीन या उन बिजनेस मैंस में आते हैं जिनको अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ी, क्योंकि उनके वालद ऑलरेडी एक बहुत बड़े बिजनेस मैन थे। मियां मनशा के वालद की वफात के बाद मियां मनशा ने अपना सारा कारोबार संभाल लिया। इस वक्त मियां मोहम्मद मनशा निशात ग्रुप के मालिक हैं। इसके अलावा सीमेंट बनाने की सबसे बड़ी कंपनी डीजी सीमेंट भी इनकी है। मियां मोहम्मद मनशा पाकिस्तान के मशहूर बैंक MCB के भी मालिक हैं। इसके अलावा मियां मोहम्मद मनशा के कारोबार पाकिस्तान के साथ साथ बैरून मुल्क में भी मौजूद हैं। दुनिया में कारों की मशहूर कंपनी हुंडई भी मियां मोहम्मद मनशा की इंग्लैंड की फैक्ट्रीज में बनती है। मियां मोहम्मद मनशा इस वक्त पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले अफराद में भी शामिल हैं। तो यही थी आज की वीडियो। इसके साथ FKB मोटिवेशन, यस यू कैन। अगर आप पहली बार आए हो हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।